हिमाचल प्रदेश में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने विजय प्राप्त की और चीफ मिनिस्टर पद पर सुखविंदर सिंह सुक्खू लगे हुए हैं। वो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, लेकिन इसी राजनीति में एक उदयपुर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के परिवार के खिलाफ डोमेस्टिक वॉयलेंस का मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा उदयपुर के कोर्ट में दर्ज हुआ है, परिवार न्यायालय में भी दर्ज हुआ है 125 में, जिसमें हर्जाना देना पड़ेगा, और इसके अलावा महिला थाने में भी परिवाद गया है जिसकी FIR दर्ज नहीं है दहेज प्रताड़ना को लेकर। यह मुकदमा उदयपुर में रहने वाली वीरभद्र सिंह की पुत्रवधु सुदर्शना ने दर्ज करवाया है और इसमें आरोपी बनाया है वीरभद्र के पुत्र MLA हिमाचल प्रदेश में MLA विक्रमादित्य सिंह, उनकी माँ सांसद प्रतिभा, उनके बहनोई और उनकी बहन के खिलाफ ये आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है। अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, परिवाद के रूप में 498 में जाँच हो रही है, लेकिन कोर्ट में वाद दायर हो चुका है डोमेस्टिक वॉयलेंस में। 17 अक्टूबर को वाद दायर हुआ, उसके बाद 17 नवंबर को प्रथम तारीख जारी की गई थी कोर्ट की तरफ से, तब उपस्थित नहीं हुए तो कोर्ट ने 14 दिसंबर यानी आज की तारीख तय की थी, तब भी उपस्थित नहीं हुए तो कोर्ट ने अगली तारीख दी है 13 जनवरी को, तब पूरे परिवार को उपस्थित होना पड़ेगा। इस मामले में परिवाद या जो सुदर्शना है उनके एडवोकेट हैं भोर सिंह जी, जिनसे बात करेंगे और पूरे मामले की जानकारी लेंगे कि आखिर क्या आरोप है, आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। परिवादिया सुदर्शना सिंह की तरफ से कोर्ट में पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता भोर सिंह जी देवड़ा से बात करेंगे और पूरे मामले की तह तक जाएंगे। सर, क्या मामला है, कब दर्ज हुआ और क्या आरोप है? ये 17 अक्टूबर को परिवाद पेश किया कोर्ट में सुदर्शना सिंह की तरफ से कि उनकी शादी 8 मार्च 2019 को हुई थी, उसके बाद में वो वहाँ शिमला ससुराल में रही विक्रमादित्य सिंह जी के साथ में, उसके बाद उसको प्रताड़ना शारीरिक मानसिक दी गई, उसके बाद भी जो जैसे जैसे सहन करते रहे और वीरभद्र सिंह जी की मृत्यु होने के पश्चात उसके 12 दिन बाद में उसको वहाँ से निकाल दिया गया। इस प्रकार इन्होंने यहाँ एक मेंटेनेंस का प्रकरण पारिवारिक कोर्ट में दर्ज किया और दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस का ACJ 2 में पेश किया, जिसकी आज भी स्थिति दोनों की एक 498 का भी 498A का महिला थाना उदयपुर में पेश किया, जो अभी काउंसलिंग के लिए रखा गया है। अच्छा, आरोप क्या है? वो कुछ अवैध संबंधों को लेकर भी परिवाद में आरोप बताया गया। सुदर्शना सिंह का कहना है कि विक्रमादित्य सिंह जी के एक अमरीन नाम की लड़की से अफेयर चल रहे हैं, इस वजह से ये डिस्टर्बेंस हुआ है सारा। कुछ दहेज की मांग भी की? दहेज की मांग भी की गई। उनका कहना ये था कि हमारा जो परिवार है आपके परिवार से काफ़ी अच्छा स्तर है, आप निम्न स्तर पर है और हमारे प्रतिष्ठा के हिसाब से आपने दायन दहेज के खिलाफ 13 जनवरी को पेशी है, तब इंतजार किया जाएगा कि वो उपस्थित होते हैं या नहीं होते हैं और उसके बाद में कोर्ट की तरफ से आगे की कार्रवाई होगी। ABP न्यूज से विपिन सोलंकी, उदयपुर।